सर्च इंडिया, कहानी से सच्चाई तक। नमस्कार, मैं हूँ स्विंस्का गुप्ता और आप सभी का स्वागत है सर्च इंडिया न्यूज में। एक मामला सामने आ रहा है अमरोहा से, जहां पर कांग्रेस प्रत्याशी सलीम खान सहित 50 समर्थकों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। आचार संहिता महामारी अधिनियम का उल्लंघन करते हुए पकड़े जाने पर कोतवाली डिडोली क्षेत्र में मुकदमा दर्ज हुआ है। आप देख सकते हैं कि वीडियो में किस प्रकार से कांग्रेस प्रत्याशी सलीम खान पुलिस से तीखी नोकझोंक करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि इस समय कोरोना महामारी को देखते हुए लोगों को इकट्ठा करना, लोगों का इकट्ठा होना आचार संहिता का उल्लंघन है और इसी को लेकर वह पुलिस से नोकझोंक करते हुए नजर आ रहे हैं। परमिशन हम दिलाएंगे कोर्ट में, लिखो परमिशन, हम तुम्हारे खिलाफ भी लिखवाएंगे, क्योंकि मुकदमा तुम गोरखपुर में भी अगर पोस्टेड होगे, यहाँ होगे तारीख में, इन गरीब जनता के तो मुकदमे लड़ी रहे, हमने पहले भी लड़ा है, ढाई साल में भी लड़े और अब भी लड़ेंगे, जाओ तो हम लड़ लेंगे, तुम देखना क्या नहीं मान रहे, तुमने पकड़ा तो भी मार तुमने बात करी है, तुमने हाथी डंडे मारने शुरू कर दिए, अब आप नहीं मान रहे तो आपके खिलाफ लिखा जाएगा मुकदमा। अगर आप कहें तो चलिए नहीं, चलिए वकील साहब आप बहुत समझदार हैं, हम भी समझदार हैं, अगर आप कहें आप ये देने चले हैं उनके पब्लिक को भगाया, आप आइए बात करते हैं, शरीफ सना शरीफ साहब सुनो, देखो ये इतनी सारी जनता है, ये सारी बोली भाई, आप हो शहर में ऐसा कोई बंदा नहीं है जो आपको ना जानता हो, नहीं जानते ना आपको, सारे जानते हैं, अब आपको पता है कि आप यहाँ आ गए, ये करोगे, ये 50 जने जमाओगे, अब इन गरीब आदमियों का फिर आप झेल लोगे, मुख्य दायरे में नहीं हो, बिल्कुल ये तो सारे होता है, ये बेचारे गरीब आदमी कहाँ से झेलेंगे, मुकदमा इसलिए जा रहे हैं, मुकदमा तुम भी कैसे झेलोगे, ये भी याद रखना मुकदमा तुम भी झेलोगे। सर्च इंडिया, कहानी से सच्चाई तक।